हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल्स टू 3 + √2 देन द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस 1 / √x इज, ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 2 √2 एंड डी 3 √3। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू 3 + √2, तो इस केस में रूट एक्स माइनस 1 / √x का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा? ये क्वेश्चन जो है सीबीआई 2003 में पूछा गया था। ठीक है, सीबीआई 2003 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आरआरबी में अक्सर यूज किया जाता है। तो सॉल्व करते हैं, दिया हुआ है रूट एक्स माइनस 1 / √x। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसे हम रूट एक्स माइनस 1 / √x का होल स्क्वायर करते हैं। रूट एक्स माइनस 1 / √x का होल स्क्वायर, तो ये किस फॉर्म में हो गया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 / √x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 / √x, 2 √x × 1 / √x। ठीक है, अब रूट एक्स का स्क्वायर x, 1 / √x का स्क्वायर 1 / x माइनस √x √x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2। ठीक है, अब हम x का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे पुट कर देते हैं। ठीक है, x का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है 3 + √2 उसे हमने पुट कर दिया है 1 / 2 + 1 / 3 + √2 - 2। अब आगे क्या करेंगे? आगे हम जो हर है, ठीक है, 3 + √2 उसका रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मीन्स हर का जो परिमेयकरण, ठीक है, हिंदी में जिसे बोलते हैं हर का परिमेयकरण। तो रेशनलाइज कैसे होता है? प्लस है, यानी कि प्लस के जगह पे माइनस चिन्ह लगाते हुए ऊपर और नीचे दोनों तरफ इनटू कर देंगे। ठीक है, 3 + √2 + 1 / 3 + √2 × 3 - √2, यानी कि प्लस का साइन है इसलिए माइनस का साइन यूज करेंगे हम, / 3 - √2। ये हमारा हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3 + √2 + 2 √2, ठीक, 3 + √2 प्लस फिर 3 - √2 बाय, यहाँ 2 छूट गया था, 3 - √2। अब देखिए नीचे जो फॉर्म है 3 + √2 × 3 - √2 एक फॉर्म में है, a प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल, इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये देखिए उसी फॉर्म में है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। ठीक है, 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 - 8 - 2। नेक्स्ट आप देखते हैं 3 + √2 + 3 - √2 - 2, 9 - 8 = 1, ये 1 हो जाएगा नीचे, यानी कि, और +2√2 - 2√2 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बचेगा? 3 + 3 = 6 - 2, यानी कि 4, 6 - 2 = 4 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो है √x - 1 / √x - 1 / √x ऑफ होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, इसी का तो वैल्यू आया। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 4। हमें पूछा जा रहा है √x - 1 / √x का वैल्यू, तो इसे हम स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा?
दोनों तरफ रूट करते हैं इसका, ठीक है, रूट फोर, ठीक है, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू रूट फोर का वैल्यू टू। तो इस प्रकार हमारा रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का वैल्यू क्या आ गया, टू। ये आपका हो गया आंसर टू, रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स इक्वल्स टू टू, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट होगा, वैल्यू होगा टू। इफ एक्स इक्वल्स टू थ्री प्लस टू रूट टू देन द वैल्यू ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स इज, तो आंसर होगा ऑप्शन बी टू, जो हम ऑलरेडी इसका वैल्यू निकाल चुके हैं टू, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज, थैंक फॉर वॉचिंग।